वैसे देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब करेक्शन। ये वर्ब करेक्शन होता क्या है और वर्ब क्या है। देखिए, ये 2020 का पेपर है, 21 का पेपर भी है। आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, चाहे वो हफेली का पेपर भी मेरे पास है, नो डाउट हफेली का पेपर भी 19 का है, 21 का है। यहाँ पे 3 मार्क का वर्ब करेक्शन आता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, उनका भी फायदा होगा। तो देखिए, वर्ब करेक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, कम मतलब आना, नो मतलब जानना, यहाँ पे दो फॉर्म करके रखा है। और यहाँ पे एग्जामिनर 3 मार्क कर देता है। हफेली एग्ज़ाम 21 से है, फाइनल एग्ज़ाम में भी हेल्प रहेगा, ग्रामर रिपीट भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं करा दूँगा रिपीट। यहाँ पे देखिए, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस पुटिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन देयर द करेक्ट टेंस फ्रॉम। यहाँ भी टेंस करेक्शन करना है और वर्ब को करेक्ट करना है। यहाँ भी एग्जामिनर 3 मार्क का दिया है। बाय द वे, आप लोग कैसे पहचानिएगा और कैसे बनाइएगा, चलिए मैं कुछ समझाता हूँ और वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक का ही है। आप लोगों का जितना भी 1999-98 से 2021 तक जितना भी आ चुका है, वो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन दिखाने से पहले एक सेंटेंस दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। हम कोई भी काम को करते हैं उसको, देखिए वर्ब एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। आपको स्ट्रक्चर मालूम है, कोई भी सेंटेंस अगर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही बनता है। और इस वर्ब में भी कई पार्ट होते हैं। एक हो जाता है मॉडल वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब आता है। कभी कभी जो सब्जेक्ट नहीं रहने से कुछ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है, वो तो टेंस की पार्ट हो गई। हाँ, यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि इसको समझाने से पहले टेंस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट टेंस के नॉलेज से हम वर्ब की करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिस्कली हो जाता है कि हम टेंस अगर नहीं जानते फिर भी क्या इसको बना सके। ओबियसली आप बना सकते हैं, नो डाउट, उसको ट्रिक बोला जाता है। तो ये जो ट्रिक है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ पे कुछ ट्रिक समझाया गया है। और उसको बेसिकली क्लास 12 के बेस पे हम बनाए थे, लेकिन क्लास 10 के लिए बहुत 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 बेनिफिट है। वो 100% बेनिफिट रहेगा क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए तो था ही वो। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे ट्रिक है। आपको अगर टेंस याद नहीं रहता है, आप जब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ाता है, ट्यूशन में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको याद नहीं रहता है टेंस, तो ये उस तरीका से कुछ तरीका कुछ ट्रिक है। वो ट्रिक आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके सीख ले, ताकि आपको लगभग 3 मार्क में तो 2 मार्क मिल ही जाएगा। तो ये आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। तो वो मैं वहाँ पे समझा दिया, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं वहाँ पे। आज यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जिस तरह व्हेन ही इंटर्ड माय रूम आई डैश राइट अ लेटर। ये इंटर्ड, ये देखिए सेंटेंस को थोड़ी सी गहराई से पढ़िएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा से पढ़ के समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, और इसको भी पहचानना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। देखिए यहाँ पे ईडी का फॉर्म यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये पास्ट टेंस डिनोट कर रहा है। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होगा ये सेंटेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के अंदर फॉर्मूला मुझे मालूम है, वाज एंड वेयर लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो हम वही यूज़ करेंगे। व्हेन ही इंटर्ड माय रूम, माय रूम आई वाज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे आई के साथ आई तो है, वाज क्यों लगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट का पार्ट था, तो पास्ट में या तो वर्ब का सेकेंड प्रेजेंट होने से, पास्ट सिंपल होने से आपको वहाँ पे वर्ब के साथ ये जो वर्ब होता है उसका हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस होने से वाज और वेयर का यूज़ होगा और वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे राइट है, राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज। एक बार हम टेंस का स्ट्रक्चर को दिखा देना चाहते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट को देख ले, आप जल्दी से नोट डाउन भी कर ले। ये सिंपल का पार्ट है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में देखिए वर्ब के साथ एस बाई एस लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ई जे मार लगता है वर्ब के साथ आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन वर्ब का आईएनजी। पास्ट के अंदर क्या लगता है? पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगता है, मतलब पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस के अभी हम इसमें चेंज किया, किंतु पास्ट कंटिन्यूअस थे ये, पास्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पास्ट का पार्ट में वाज और वेयर वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेड के साथ बीन। इसी तरह फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर सिंपल के अंदर विल और सेल का यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल बी सेल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म विल हैव सेल हैव यहाँ पे आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर विल हैव बीन और सेल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट आपका, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप जल्दी से इसको लिख लें, फिर वहाँ पे बनाने में, स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, पहला वाला वो कंटिन्यूस में डाला। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच डे स्टार्ट बिफोर वी रीच द फील्ड। यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ ये जो है ना रीच द फील्ड, ये रीच द वर्ड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें इंडिकेट करता है ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर मैंने अभी भी दिखाया कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेड का यूज़ होता है। आप अगर फिर से भूल गए तो दिखाना चाहता, देख लीजिएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म और हेड का यूज़ किया गया है, तो यही यूज़ होगा वहाँ पे। तो सेंटेंस को हम करेक्ट करूँगा, द मैच हेड हेल्पिंग वर्ब, हेड वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। द मैच हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टार्ट का स्टार्टेड, द मैच हेड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द फील्ड। बाद बाकी सब सेम होगा, बस दो चेंज होगा, स्टार्ट का स्टार्टेड होगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ होगा। बहुत सिंपल चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर देखिए आपके एग्ज़ाम में अगर गो देखने को मिला तो उसको वेंट में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर ही, मतलब मैं ये ट्रिक के तौर पे समझ के रखिए, ठीक है। तो गो रखने से वेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट होता है ये वाला क्लास टेन में। वैसे तो सेंटेंस को देखकर चेंज किया जाता है, इट इज़ टाइम, ये जो समय है, यू हाँ यू डैश गो होम, तो यू वेंट, इसलिए वेंट में चेंज कीजिएगा, मैं पहले ही कहता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये सब आया हुआ है, कई सालों में रिपीट हुआ है, क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, आई सेल वेट हर अनटिल ही, आई सेल वेट हर हेयर अनटिल ही डैश बैक। कम दिया है, कम्स होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वहाँ पे दिखा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस बाई एस लगता है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज़ होगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा था। आई डैश माई ब्रेकफास्ट इट नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट इट, ठीक है, आई हैव नॉट टेकन, तो हैव नॉट होगा और टेक का टेकन हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा टेक का, और टेकन जब भी लिखूंगा तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का हैव आ जाएगा। व्हेन ही केम इन आई डैश ए लेटर, फिर से वही सेंटेंस को रिपीट कर दिया ग्रामर एग्जामिनर ने, बिल्कुल नो डाउट, हम कहा भी चिंता मत कीजिए, ग्रामर का रिपीट मैं कराऊंगा कैसे हो रहा है। देखिए ये सेंटेंस ऊपर क्या मैंने बनाया था, When he came in, I was writing a letter. क्या मैंने ऊपर सॉल्व किया था, क्या मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। When he entered, when he came, बातें की है, when he entered my room, I was writing a letter. क्या ये रिपीट हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, देखिए When he came, I was writing a letter. ठीक है, तो सेंटेंस को देखकर मैंने फिर से चेंज किया। ये आया है, ये वेलकिंग क्यों हुआ है, क्या कारण है, देखिए ही डैश अक्रॉस द रोड व्हेन ए स्कूटर हिट हिम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखकर समझ में आ रहा है, जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस के अंतर्गत आ रहा है, कर रहा था, क्योंकि ये जो घटना है अभी नहीं घट रही है, ऑलरेडी घट चुका है, घटना ऑलरेडी हो चुका है, डेट मीन्स पास्ट में चला गया और पास्ट का कंटिन्यूअस में चला गया, क्योंकि मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो एक स्कूटर ने आकर मुझे मार दिया, राइट। तो डेट मीन्स ही वाज वेल्किंग, मतलब वो रोड क्रॉस कर रहा था, ही वाज, वो जब रोड क्रॉस कर रहा था बंदा,
तब कोई स्कूटर आया उसको हीट कर दिया, राइट। तो ऐसा है, एक्सेप्टेड डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कई जगह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ईडी यूज़ जरूर पास्ट में जरूर डाल दीजिएगा, इसको सेकेंड फॉर्म जरूर यूज़ कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है इसलिए कहता हूँ आपको जो लिखा रहा हूँ, ठीक है। अपना लोग जी एवलक लिखी आसे जो अपना लोग हिंदी बुझे नारे हिंदी तो मैं कह आसो तेनोले एटा काम करक, अपना लोग जिमान कैटा ग्रामर दी आसो एटू अपना लोग लिखी लो नोट्स बनाय लग और हेटू किंतु अपना लोग एग्जाम आगत एग्जाम जीदिन एग्जाम हे एग्जाम तीन दिन चार दिन आगत दुबार तीन बार तक रिविजन कर लग तक मानने देखी देखी और सही लिखी लग सही लिखी लगे कि हम यू कि माइंड रही जाने जेने का मैं एट रिपीट तक देखा देखालू आई वाज राइटिंग लेटर ठीक तेने का हेटू अपना एग्जाम देखने पा और सेम एने क्वेश्चन आब और रिपीट है बहुत कटा रिपीट है मैं कह आसो क्लास टेनर बहुत कटा ग्रामर रिपीट है यू मैं देखाई दीम एक नयार जैसे एक्सेप्ट दी इत एक्सेप्टेड अपना लिखे भर्ब सेकेंडर फॉर्म दी दिबा आई वाज आई विश आई एक्सेप्टेड द जॉब एने का हरी अब द टैक्सी वेट हर टैक्सी इज वेटिंग राइट टैक्सी इज वेटिंग चलो जल्दी करो जो टैक्सी है वेट कर रही है राइट हाँ यस नेक्स्ट इसको देखते हैं आया है कई साल के क्वेश्चन को दूंगा मैं चिंता करने के बाद तीन ही आता है देखिए एक दो तीन नो डाउट तीन ही आया है एग्जाम देयर डेज इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स देखिए यहाँ पे एक बात मेंशन करके रखा है 10 सालों से राइट 10 सालों से यानी 10 सालों से यहाँ पे रहता है तो आप जब 10 सालों से रह रहे हैं तो हैज़ बीन यूज होगा कंटिन्यूअस के अंतर्गत आ जाता है ठीक है परफेक्ट कंटिन्यूअस नॉट द कंटिन्यूअस ओनली दैट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस आप 10 सालों से 5 सालों से कहीं रह रहे हैं क्या आपने उस जगह को छोड़ दिया नहीं छोड़े नहीं मतलब कंटिन्यूअस आप वहाँ पे है और चल रहा है अभी तक राइट मैं 10 सालों से स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे सिंस के यूज़ हो जाएगा पार्ट वन वीडियो नाउ काइंडली रिक्वेस्टेड आपको ज़रूर ये देखना चाहिए बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट वन में ये हैव बीन सिंस फॉर उसके बाद रेगुलरली रिसेंटली कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं वहाँ पे दिया हूँ ताकि आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस हो जाए और आप आराम से उसको बना सकें आपको समझ लेना ज़रूरी है वो बातें को जब तक आप समझिएगा नहीं कोई फ़ायदा नहीं है रट के कोई फ़ायदा नहीं है हाँ कुछ कुछ क्लास टेन में रट लेना ज़रूरी होता है क्योंकि मैं खुद कहता हूँ ना कि ये ज़रूर कर लीजिएगा चलिए जिस तरह यहाँ पे दिया है सी डाइड आफ्टर सी डेज फॉर 5 ईयर्स सफर देखिए सफर्ड ही हैड सी हैड सी डाइड वो मर गया आफ्टर सी हैड सफर फॉर 5 ईयर्स ठीक है तो सफर्ड होगा डाइड का बात बोला है ठीक है डेथ का बात नहीं बोला गया है सो यहाँ पे परफेक्ट टेंस दिखाया जा रहा है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट वो मर गया था मतलब है नहीं अभी नहीं हो रहा है प्रेजेंट में काम होने से प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं काम पास्ट में हो रहा है सो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा सो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सफर का सफर हो जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा अब देखिए यहाँ पे सीन्स है 10 ईयर्स डेथ सीन्स आई मीट यू तो जहाँ भी सीन्स दिखे राइट जहाँ भी सीन्स दिखे वहाँ पे हैव का यूज़ तो होता ही होता है वहाँ पे हैव का यूज़ होता ही होता है तो 10 ईयर्स हैव पास्ट ठीक है परफेक्ट फॉर्म 10 ईयर्स परफेक्ट टेंस दिखा रहा है 10 ईयर्स हैव पास्ट सिंस आई मीट यू अंडरस्टूड ये पास्ट है इसका पास्ट हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और सिंस है जिसके कारण हैव का यूज़ होगा हैव एंड हैज ओके और कहीं कहीं सिंस के साथ हैव बीन और हैज बीन का भी यूज़ होगा वो पार्ट वन के अंतर्गत समझाया गया है आप देखने से समझ में आ जाएगा और आपको समझ भी लेना ज़रूरी है सो इसी पे हम दिखाना चाहते हैं अच्छा ग्रामर रिपीट होता है कि नहीं ज़रा सा ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है ना सॉरी यार ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन ये 2001 का क्वेश्चन है ओके 2001 का क्वेश्चन है और आप थोड़ा सा ध्यान अपना लोग अलग मन कर अलगके अलग चाबा इतना नम्बर तो चाक और यू एबार नए दुबार अपना रीड करक 10 ईयर्स डेट सिंस आई मीट यू पास एने दी आसो चाहिए 2000
ওয়ানৰ কোৱেশ্যন, অ'কে 2001ৰ কোৱেশ্যন, আজিৰ পৰা 10 সাল আগৰ কোৱেশ্যন, ওৱানৰ আজি 22 এনেকুৱাই হ'ল, 10 সালমান হ'ল আৰু, 10 বছৰমান হ'ল, 10 বছৰ আগৰ কোৱেশ্যন, এইটো গম পালে আৰু। মই এইটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ৰিপিট কেনেকুৱা হয়, গ্ৰামাৰবিলাক আহে, আৰু মই কেইটা ক'লোঁ না আপোনালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা। সো আই মানে কাহা কি আপলোক কুছ ইয়াদ ভি কর লিজিয়েগা, রট্টা ভি মার লিজিয়েগা, কিউ জরুরি হ্যায়, দিখা রহা হুঁ। ক্যা ইয়ে কোশ্চেন আপকো দিখাই দে রহা হ্যায়, কিতনা কা হ্যায় বোলিয়ে তো। 2020 কা কোশ্চেন হ্যায়, ওকে 2020 কা, ইয়াহ পে দেখতে হ্যায় ভার্ব কারেকশন। কোশ্চেন নম্বর বি, 10 ইয়ার্স পাস সিন্স আই মিট ইউ লাস্ট, ক্যা আপকো সেম নজর আয়া কি নেই, আপকো লগা কি নেই ইয়ে রিপিট হুয়া হ্যায়, ইয়ে ভি দেখিয়ে क्या रिपीट हुआ है कि नहीं। व्हेन सी केम आई राइट ए लेटर, व्हेन सी केम आई वॉज राइटिंग ए लेटर होना चाहिए, ओके राइटिंग ए लेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स बोला, 10 ईयर्स पास सिंस आई मीट यू लास्ट, 10 ईयर्स हैव पास्ड, है कि नहीं। तो अभी मैंने बना दिया ना इसको, ये भी हमने बना दिया, क्या ये रिपीट हुआ कि नहीं 2021 का, 2001 का क्वेश्चन से, 2001 का क्वेश्चन से रिपीट हुआ, 10 साल का पहले का क्वेश्चन 2020 में दिया, दिया कि नहीं। ग्रामर बहुत ईजी है यार, 40 में 40 अपने ग्रामर 30-35 अप्रोक्सीमेटली मार्क का आता है, 100% 35-45, पता नहीं बच्चे कैसे फेल करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है यार। इंग्लिश में जो अदर्स मीडियम है, बेंगुली मीडियम, अखोम मीडियम, हेबाक छात्रों के लिए कहने का जो फेल करे, इंते कह सर मोर इंग्लिश बहुत वीक आस, মই ইংলিছৰ মাৰ্ক মানে কেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, মাৰ মানে মই ফেলে হৈ গ'লোঁ, কেনেকুৱা যে হয় এইটো মই গমে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে মানে ঘৰত অলপ এইবিলাক চাব লাগে আৰু, আৰু মোৰ চেনেলৰ সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, মই যিমানকেইটা আছে চবে দি থাকোঁ আৰু কৈ থাকোঁ, সেই খালি যি ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ দি আছোঁ সেই বাটটোৰ লগত আপোনালোকে যোৱা আৰু। সো ইয়ে ৱালাটো মই 21 কা কুৱেশ্যন ভি থা, 20 কা কুৱেশ্যন ইয়া দিয়া, 10 ইয়াৰ্ছ হে পাছ চিন্স আই মিট ইউ, when he came it all over B, देखिए ये जो B रहता है ना, when he came it was all over, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसका एक ट्रिक शायद पार्ट वन में दे के रखा हूँ, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा और लिखिए, सब लिखिए, एकदम लिखना ही है। स्टे का होगा, स्टे ही होगा, विल हो गया है, ही विल स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न, ओके तो लिख लीजिए, अभी बहुत है ये सब बहुत है, ये भी रिपीट हुआ है मालूम है आपको, ये भी रिपीट हुआ है। क्या मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को ऊपर बनाया, नोट टॉक या वेल था ऐसा कुछ, वहाँ भी मैंने हेप का यूज़ किया था, वहाँ भी नोट का यूज़ किया था कि नहीं, आप थोड़ा सा ऊपर वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, मैंने क्या ये बना दिया कि नहीं। एग्जामिनर ये सब बिल्कुल वैसा ही रखता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ठीक है आप लोग इतना लिख लीजिए, पार्ट वन रहा ये करेक्ट टेंस का, पार्ट टू में हम, और पार्ट टू ही रहा, पार्ट वन मतलब एक तो है ये, पार्ट टू पार्ट थ्री बनेगा ओबियसली, पार्ट वन ये पार्ट टू रहा, मैं दे रहा हूँ। और अपने दोस्तों को आप लोग थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा हेल्प अपना लोग ऑलअप मोर सहाय करो, मोर चैनल टू ग्रो करार कारण अपना लोग जस्ट निजर फ्रेंडर ऊँचर एक शेयर करो, আপনাদের বন্ধুবিলাক আছে, ছাত্র ছাত্রীবিলাক আছে, যি আপনাদের গ্রুপত আছে বা ক্লাসর আছে, এজন মানুষ এজন লড়াই যদি 10 জন বা 2 জন করে শেয়ার করে, তথাপি চ্যানেলটা কিমান গ্রো হব সেটু অলপ ভাবি লোক। সেই কারণে মই আপনাদের কারণে ইমান কষ্ট করে আসো, ইমান পড়া ইমান কোশ্চেন চাব লাগে আর মেটেরিয়ালস আনিব লাগে, তারপর এটু ভিডিও বনাব লাগে, বুঝাব লাগে, বহুত আপনাদের কারণে এফার্ট দি আসো, আপনাদের অলপ এফার্ট দিয়া মোর লগত, অলপ আপনাদের সহায় করব, অলপ সেন্ড করে দিয়ক। সো প্লিজ রিকোয়েস্ট কি আপনার থোড়ি সি শেয়ার করে দিয়ে, থোড়ি সি চ্যানেল কো গ্রো করার মেয়ে মদত কীজিয়ে, মানে দেখা চাহত হুম আপনার কতনে এস চ্যানেল মে এস ভিডিও মে মানে দেখুগা কি কতনে লোক শেয়ার কর রে হ্যাঁ আর কতনে লোক লাইক দে রে হ্যাঁ, আর আপকো ইয়ে পসন্দ আ রা কি আপকো সমঝ মে ইয়ে, আপকে টিচার ভি ইস তরে করকে নেই সমঝায়েগা, রিপিট হো রা হ্যায় কেসে বনানা হ্যায় নেই বনানা, কুছ রট্টা মারনা হ্যায় কি নেই করনা, এ সব মে সমঝা দে।